रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, तुसर दे पे झोक टीवी वसीब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन इटे मैं मौजूद हाँ मदीना तुल औलिया मुल्तान श्री दरबार शाह शमस दे बिल्कुल मेन गेट दो मौजूद हैं। अज क्योंकि मुहर्रम और हराम की अगर गल की भी नहीं तो यकम मुहर्रम और हराम तो तमाम जो मातमी जलूस हैं और दरबार शाह शमस से आते हैं और अज असा जो दरबार के गद्दी नशीन हैं उन्होंने भी गुफ्तगू करी सूँ तो कुछ तमाम मनाजर दिखे सूँ। सारे पिछले तो पंजाब पुलिस के नौजवान नजर आते पे सन, सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट है ताकि कहीं भी खुशगवार बाकी ये निपटा बन सके। और अगर शाशम मजार की गल करूँ तो इतना 24 आवर जी सिक्योरिटी है वो बिल्कुल अलर्ट रही है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल पिछु जो है बैक मेन गेट के उत्ते पंजाब पुलिस के नौजवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते पैन और जलूसों की अगर गल की वजे तो यकम मुहर्रम तो गिन के 10 मुहर्रम तक जलूसों का सिलसिला मदीना तुल औलिया मुल्तान शहर तो तमाम जोड़ा है वो इतना शाशम दरबार से आता है। उस बाद जे मुतवली हैं जो गद्दी नशीन है सैयद औन रजा शमसी साहब न भी गुफ्तगू करे सूँ, उन्होंने को जान सूँ कि अगर असं मुहर्रम की सिक्योरिटी की गल करूँ या बाकी दीगर जो हालात वाकियात हैं क्या हैं। नाजिन तुम दस मेरे जुड़ते हैं गीते जिम्मे कि मैं तुम्हें दसिया कि मैं मौजूद हाँ दरबार शाह शमस देते कुछ लोगों गलबात कर रहे हैं मुहर्रम के हवाले गल कर रहे हैं तो आओ नाजरन जुड़ते हैं कुछ लोगों गल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, क्या नाम है? शाहिद। शाहिद भाई कितों आए हो? मुल्तान तो। मुल्तान तो मुहर्रम और हराम की अगर गल की वजह तो दरबार शाह शमस के क्या इंतजाम नजर आते हैं? इंतजाम सर इंतजाम सिक्योरिटी के फुल सारे इंतजाम अच्छे हैं। अच्छा जी। अच्छा मुहर्रम दे विच ए जिहड़ा गम मनाया वैंदा इहदा मकसद क्या है? मौला हुसैन दा गम मनाया वैंदा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरी सर दुकानदार एक मौजूद हैं, इन्होंने गल करें, इन्होंने को जानते हैं कि आम दिहाड़ा की निस्बत मुहर्रम दे रोजगार दे विच भी कोई फर्क पाँदा या नहीं पाँदा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जल्दा थी आओ जनाब, क्या हाल है? सही वसीम भाई, तबीयत से ठीक है जी? अल्लाह का करम शुक्र अलहमदुल्ला। अच्छा दसो कि अगर आम दिन की गल की वजे या मुहर्रम क्योंकि मुहर्रम पूरे पाकिस्तान तो जायरीन महात्मी संगत जलूस दरबार शाह शमस से आते हैं, कारोबार के उत्ते भी कोई फर्क पाँदा? जी अलहमदुल्ला, कारोबार दे ही बहुत असर पाते, ये गल कोई नहीं। सरकार के दर का लंगर खाते पे आले मुहम्मद का सदका है, बाकी यकम मुहर्रम तो कहने के 10 मुहर्रम से बहुत शदीद रश होंगे। अच्छा अगर 10 मुहर्रम वाले डिहार की गल की वजह तो हूँ डिहार क्योंकि इतना एक हद तो ज्यादा इतना लोग होंगे, क्या तो कोई दुकाना बंद करनी पौंदी या 10 मुहर्रम वाले डिहार तो दुकाना खुलियां ने? जी साढ़े तो वाजिब है, 10 मुहर्रम वाले दुकाना बंद करने का तो वाजिब एक मुसलमानी एक तरीके दे नाल, बाकी गवर्नमेंट की तरफों भी अलाओ है दुकाना बंद करने का, बाकी जो मोमनीन हजरात ने उन्होंने को मंता लहाने वास्ते थोड़े डिस्टर्ब थे उनके वजह को चंद दुकान खुलियां होनी। अच्छा ये दसो कि मतलब अगर इंतजाम की गल की दरबार शाह शमस से ना तो कोई प्रॉपर लंगर खाना है या बाकी ओवर इंतजाम बड़े नाकस जे हैं तो इनके हवाले क्या अक्सो क्योंकि मैं जिम्मे कि मैं तुम्हें दसा कि मैं मजार शाह शमस के उत्ते मौजूद हाँ और मेरी बैकसाइड पर तुम देख सकते हो कि जायरीन का सिलसिला जोड़ा है वो मतलब डेली की बुनियाद पर इवें ही होंगे और अगर असा मुहर्रम की गल करूँ तो पूरे पाकिस्तान के लोग जोड़ा अशरा मुहर्रम वास्ते दरबार शाह शमस से आते हैं क्योंकि इतना मजालस का सिलसिला भी होंगे, लंगर और न्याज का सिलसिला भी होंगे, मातमदारियों का सिलसिला भी होंगे और मतलब इतना तलवार का मातम भी किया जाता है, बाकी संगली के मातम और बाकी जोड़ा और मेरा कैमरामैन तो दिखा सकते मेरी बैकसाइड तो बिल्कुल तो मनाजर नजर आते पे कि दरबार शाह शमस के बिल्कुल मेन गेट के उत्ते बिल्कुल सामने करके खमना कहना और मुहर्रम की अगर गल की वजे तो यकम मुहर्रम तो गिन के 10 मुहर्रम तक इतने जोड़े ना महात्मी जलूस महात्मी संगत और बाकी लंगर और न्याज और महात्मा का जो सिलसिला है वो शुरू रहा है। तो नाजरीन असं तो बह भी कुछ मनाजर भी देखे सू और कुछ लोगों असं गुफ्तगू भी करे सू, अगर मुहर्रम की गल की वजे तो मुहर्रम के हवाले इतना क्या क्या तैयारियां और क्या क्या इंतजाम अगर सिक्योरिटी की गल की वजे और बाकी मैं अगर गल करें तो दरबार के बिल्कुल सामने जो रोड है इस सबको हमेशा तो जोड़ा है नाकस हालत के नजर आया है और इंतहाई मतलब एक इतना मुश्किल का सामना होता है जायरीन को और बाकी जो महात्मे जलूस हैं उन्होंने वास्ते भी बहुत सारी मुश्किल आती है। अगर रोड की गल करो तो रोड पिछले 3-4 साल तो बनने का ना ही नहीं गिनता पिया, उस अलावा गंदा पानी मतलब नाकस इंतजाम कितने हैं मुल्तान की इंतजामिया और कितने हैं वो लोग जो तमाम इंतजाम करेंगे जो दावे तो करेंगे हैं कि मदीना तुल औलिया मुल्तान शरीफ के बड़ा सारा काम करते पे लेकिन काम जोड़ा है सबको टक्के भर का भी नजर नहीं आता और असर तो बहर के मनाजर भी दिखे सो उतनी की फुटेज भी दिखे सो तो उस खुद देख सो और तो खुद को पता लग सी कि कितने नाकिस तरीन जोड़ा ना इतना रोडों के सेवरेज दे और बाकी जो इंतजाम हैं क्योंकि मजार शाह शमस एक वह पॉइंट है ये दरबार है जितना पूरा साल जोड़ा है हमेशा रश रहा है और पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के लोग जोड़े जायरीन आते हैं और अगर असं मुहर्रम की गल करूँ तो पूरे पाकिस्तान की तरह मदीना तुल औलिया मुल्तान शरीफ इतना दरबार शाह शमस के उत्ते इंतहा का रश होंगे। नाजिम तुसा रसो मेरे नाल जुड़ते हैं अगे
जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कायम आले मुहम्मद। जी नाजरीन तुसरे दे पे झोक टीवी वसीब दी आवाज़ और इटम मैं मौजूद हाँ मज़ार शाह शम्मस दे बिल्कुल अंदर करके मेरे सेन दे अंदर असा खड़े हैं। अगर असा मुहर्रम अल हराम दी गल करीने ते इत्थां हज़ारां दी तादाद दे विच जलूस दे विच लोगों की शिरकत होंदी है और जिहड़े इंतजामात मुहर्रम दे हवाले नाल बिल्कुल थींदे पैन यानी डामियल लिहार वास्ते, क्योंकि डामियल लिहार मुल्तान के जितने भी जलूस हैं वो इत्थां दरबार शाह शम्मस दे आंदन। और इटम अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल असा सेन दे उत्ते दरबार दे बिल्कुल सामने खड़े हैं और इस साइड दे उत्ते भी आलम मुबारक है तुसां अगर देख सकदे हो मेरे नाजरीन। अच्छा बाकी तमाम जिहड़े इंतजामात हैं मुहर्रम दे हवाले नाल इत्थां तैयारियां बिल्कुल इस टाइम तैयारियां हैं। और सिक्योरिटी की जिवें मैं अगर गल करां तो सिक्योरिटी वास्ते भी सकूँ चंद मुलाजमीन जिहड़े ने वो इत्थां ड्यूटी दे उत्ते तैनात नजर आए। हो सकता है रात के मजालिस के दौरान ज़्यादा लोग होंदे होवे तां नाजरीन तुसां मेरे नाल नाल